मेरी रानी कैसी दिखती है देखो। गांव के भी ऑपरेटर भी अच्छे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन चलाते हैं भाई। एक मालिक ने नया मशीन लिया है, बहुत ही नया मशीन है, तो उसको एक ऑपरेटर की ज़रूरत है। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज एक फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए भाई इस व्लॉग के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बने दोस्तों इस व्लॉग के साथ। तो गाइस अभी सुबह के 7:30 बज रहे, अभी भाई बाहर आया हूँ मैं लेटरिन के लिए। अभी सुबह के 8 बज गए, तो अभी जल्दी से नहा लेता हूँ फटाफट। अभी फटाफट नहा लिया हूँ, अभी खाना पीना भी खा लिया हूँ अभी, और बाहर निकल रहा हूँ अभी। अभी बाहर देखो तो बकरे भी छूट के निकल गए, कैसे निकले आपको दिखाता हूँ अभी। जिसे उखाड़ लिया देखो, दोनों एक साथ में ही है देखो। तो अभी फिलहाल पानी चालू है, पानी भरने का है, उसके बाद में गांव में जाने का है। देखो पानी चालू है, देखो फिलहाल पानी भी नहीं भरने का हो गया है। तो अभी गांव में जा रहा हूँ मैं, पिताजी को छोड़ने के लिए, सिस्टर के गांव में जा रहा है ना, गांव में छोड़ के आता हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं, महबूब को वैक्सीन लेना है, इसने वैक्सीन लिया नहीं है, बहुत दिन के बाद हो गया। कुछ दिन के बाद हम बाहर ट्रैवल करने वाले हैं ना, तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम भी हो जाएगा, इसकी वजह से अभी वो वैक्सीन ले रहा है फर्स्ट। मैंने तो बहुत दिन पहले ही मैंने वैक्सीन ले चुका हूँ, अभी इसने नहीं लिया ना, तो इसकी वजह से अभी जा रहे गांव में ऐसा। तो देखो दोस्तों इधर चल रहा है वैक्सीन लेने का, ये मठ है हमारे गांव का, इधर इसके अंदर चल रहा है। और देखो गर्दी, सब ले रहे देखो वैक्सीन लेने का, सब लेडीज वगैरह सब लेते हैं, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाने का है और वैक्सीन लेना है। तो फिलहाल अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ घर पे, बहुत ही भूख लगा है मुझे। कल मैंने गाड़ी को 3000 रुपये का खर्चा किया है, मतलब क्लच पेट गया हुआ था, और थोड़ा गाड़ी का सर्विसिंग किया, और गाड़ी आज यार ना भाई इतना ज़बरदस्त भाग रही है ना यार, नाथ करने का नहीं यार, इतना ज़बरदस्त भाग रही है गाड़ी, मज़ा आ गया भाई। इतना खर्चा भी किया तो उतना गाड़ी इतना ज़बरदस्त भाग रही ना, और बहुत ही पिकअप दे रही, जगह पर उठ रही गाड़ी, इतना पावरफुल भाग रही है। पहले है ना क्लच पेट गया हुआ तो इतना स्लो चलती थी गाड़ी, तो अभी है ना भाई इतना तेज से भागती है ना गाड़ी, जगह पे ही उड़ जाती है गाड़ी, इतना जबरदस्त और इतना स्पीड चलती है गाड़ी। अभी शाम के 3:30 बज गए और मैं अभी जा रहा हूँ मेरा बाइक धोने के लिए, क्योंकि बहुत ही गंदी हो गई यार बाइक। कल मैंने क्लच पेट भी डाला था ना, तो इसके वजह से थोड़ा ऑयल और लग गया है। और कल मैं जा रहा हूँ मेरे बड़ी सिस्टर के पास, कपूर वाली नहीं और दूसरी वाली, उससे बड़ी सिस्टर है ना उसके पास, मतलब सोनू की मम्मी के घर पे। उधर कल फंक्शन है ना, मतलब मटन मिलने वाला है, मटन का फंक्शन है, मतलब दशहरा है ना, दशहरा का मतलब सभी घर में ना भाई गोट, मतलब बकरिया बकरा होता है ना, बकरा को काटते है, तो बकरा का मतलब मटन वही मिलता है उधर, तो इसलिए कल जाने वाला हूँ। तो इसलिए अभी पटापट बाइक धो के चकाचक करके निकलता हूँ मैं कल सुबह। सुबह जल्दी जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 12 बजने से पहले ही मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरा हेल्पर भी उधर ही है, जो आप लोग पिछले वीडियो में दिखाया। देखो मेरे पास हेल्पर था जेसीबी सीखने के लिए, मतलब मेरा भांजा, तो उधर ही आप लोग को वहाँ पे देखने को भी मिलेगा। तो चलिए जल्दी से जाके अभी बाइक धो देता हूँ फटाफट। एक शैम्पू भी ले लिया हूँ, और मैं बूट घाल के नहीं जाने वाला हूँ, बूट पहन के नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि चप्पल लेके जाना पड़ेगा, मतलब पैंट ऊपर करना पड़ेगा। अभी धूप है, अभी 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तो 4 बज रहे, 4 बजने को आ गए, घंटे में वापस आ जाऊंगा। वो सामने का निकालना पड़ेगा मुझे, काला वाला, मतलब अभी तो बारिश का सीजन चला गया, अभी उसको निकाल देता हूँ जल्दी से। कहाँ है ये वाला, जरा अच्छा है, पुराना देता हूँ, मतलब क्या होगा वो पुराना है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा, मतलब वो तोड़ने के लिए ना बंधा हुआ है उसको। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक धोने के लिए, और सामने से जेसीबी आ रही है, अपने दोस्त की जेसीबी लग रही है मेरे को, तो और जेसीबी देख के मुझे याद आ गया कि भाई एक ऑपरेटर की भी ज़रूरत है, इधर तेलंगाना बाउंड्री के ऊपर है, एक ऑपरेटर की ज़रूरत है, अभी थोड़ी देर में आज मैं बताऊंगा उधर पहुंचने के बाद। तो आ गया फाइनली, ये देखो इधर ही पानी बहुत ही, यहाँ सब गाड़ियाँ वगैरह सब इधर धोने के लिए आते हैं, बाइक बोलो कुछ भी बोलो, सब इधर धोने के लिए आते हैं। देखो अभी बहुत ही गर्दी लग रहा है उधर मेरे को, देखता हूँ उधर कहीं जगह मिला तो धो देता हूँ मेरे गाड़ी को, सभी धो रहे उधर। ये देखो कैसा नज़ारा है इधर का। फाइनली मेरा बाइक धोने का हो गया है, तो अभी मैं निकलता हूँ। तो यहाँ पे ना भाई जेसीबी चल रही है, वहाँ पे रुका दिया है, देखो वहाँ पे भी यहाँ से नया रास्ता बना रहा है, कौन रास्ता बना रहा है क्या मालूम, मतलब आगे नीचे है ना सब तूर का खेत है ना, मतलब सब ये उसमें तूर डाला हो गया ना, तो इसकी वजह से रास्ता बना रहे होंगे इधर से। देखो वहाँ पे मशीन खड़ा कर दिया है, क्यों खड़ा कर दिया क्या मालूम, लेकिन काफ़ी बता देता हूँ कि भाई रास्ता अच्छी तरह से बना है, देखो बहुत ही बढ़िया बनाया, देखो बढ़िया तरीके से बनाया। गाँव के भी ऑपरेटर भी अच्छे है भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से
मशीन चलाते हैं। रास्ता भी काफी अच्छा बना है, दिक्कत नहीं यहाँ पे। अभी भराव करे तो बहुत ही अच्छा स्लूप हो जाएगा, रास्ता बना देगा। पहले उधर से रास्ता था ना, इधर से नया रास्ता बना रहे थे उधर। एक बात बताना भूल गया कि तेलंगाना वहाँ पे ना भाई, तेलंगाना बाउंड्री पे ना भाई, एक मालिक ने नया मशीन लिया है, बहुत ही नया मशीन है। एक ऑपरेटर की जरूरत है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो, अगर आपके महाराष्ट्र के एरिया में हो या फिर कर्नाटक के एरिया में हो, अगर आपको जॉब की जरूरत है, तो भाई नीचे ना भाई मालिक, उस मालिक का नंबर देता हूँ। नया मशीन है तो उस मालिक को ना ऑपरेटर की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मालिक का नंबर है, जाकर कांटेक्ट करके जाइए। दोस्तों मैं अभी घर पे आ गया हूँ और मैं अभी दाढ़ी कट करवा के लेके आता हूँ, जरा स्पेशल जरा ठीक अच्छे से करके लेता हूँ। मतलब मेरे पास मशीन जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए अभी दाढ़ी भी कम करना पड़ेगा और कट जरा अच्छे से करना पड़ेगा। चाहो तो मैं घर पे कर सकता था, लेकिन अभी शाम हो चुकी है, कल सुबह जल्दी जाना पड़ेगा ना मुझे। उसके बाद देखो मेरी रानी कैसी दिखती है देखो, लेकिन बहुत ही पुराना हो गया ना, अभी कम से कम 6 साल हो गया मेरी बाइक को, लेकिन ज़्यादा देखो फिर भी देखो कितना ज़बरदस्त दिखती है मेरी बाइक। फाइनली मैं 5 बजे घर पे आ गया, मतलब 5:30 बजे, हाँ 5:30 बज गया होता। अभी घर पे आ गया, फिर मटन लेके चिकन लेके आया, और चिकन बिरयानी बना दिया। तो अभी खा के रेडी हो चुका, मतलब बिरयानी खा लिया मस्त, बहुत ही बढ़िया बनाया था। और मैं दाढ़ी भी इधर का थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब इसका ये और ये थोड़ा मैच कर दिया। थोड़ा देखो कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा है दाढ़ी, तो देखो कमेंट करके बताओ ज़रा। और सुबह मुझे जल्दी उठना है, बकरियाँ वगैरह सब बाहर बांधना पड़ेगा, उसके बाद में 8-10 बजे तो निकलना पड़ेगा, 8-9 बजे निकलना पड़ेगा। किधर? उमरगा, दुधनीति उमरगा जाना पड़ेगा कल, बहुत ही लंबा सफर है भाई, 120 किलोमीटर इतना क्या पड़ता है, तो जल्दी जाना पड़ेगा, 10-12 बजे के अंदर ही जाना पड़ेगा, इससे मुझे जल्दी से अभी सोना पड़ेगा आज। दोनों अभी भी खा रही है, अभी देखो अभी उसका खाने का नहीं हुआ है, और मेरा बच्चा अभी सोया हुआ है। देखो गाइस अभी 10 बजने को आ गए, सब बकरियां अंदर बांध देता हूँ, सभी को अंदर बांध दिया है, मतलब अंदर पैक कर दिया है। ये देखो सब खड़े रह गए इधर, सभी को अंदर बांध दिया। तो अभी लाइट बंद कर देता हूँ, मतलब लाइट अगर चालू रख दिया ना भाई, तो क्या करते हैं कि एक में क्या एक सेकंड में मतलब ऐसा लगड़ा कर लग जाता है, इसको मार ऐसे करने लग जाते हैं, इसकी वजह से लाइट बंद करना ज़रूरी है। दरवाज़ा बंद कर दिया और ये ताला भी लगा दिया, अभी सो जाते हैं। फिलहाल आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।